प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है। इसके लिए स्वयं उन्होंने अपने भाषणों में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। यूपी के सुल्तानपुर की पुलिस इस पद पर आगे बढ़ने में जुट गई है। जिले के कप्तान ने नई पहल करते हुए जिले के थानों और चौकियों के रखरखाव व पुलिस के कल्याण के लिए मधु मिशन शुरू कराया है। शनिवार को जिलाधिकारी सुल्तानपुर रवीश गुप्ता ने कुड़वार थाने में इस मिशन का उद्घाटन किया। फर्स्ट फेज में कुड़वार और धम्मौर थाने में मधुमक्खी पालन के लिए 25-25 डिब्बे रखे गए। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि आज हमारे पुलिस अधीक्षक ने मिशन शक्ति और मधु मिशन की शुरुआत की है, जिसमें आमदनी करने वाला कुटीर कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। उसी के तर्ज पर जैसे इन्होंने बाराबंकी के चैनपुरवा गांव, जहां अपराध अधिक था, उसको समाप्त कराकर एक स्वरोजगार की क्रांति लाए थे, उसी तरह की शुरुआत कुड़वार थाने में आज की गई है। आज ये मिशन शक्ति और मधु मिशन एक हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक नवाचार शुरू किया है, जिसमें यह है कि जो स्थल होते हैं जहां पर किसी प्रकार का आमदनी करने वाला कुटीर कार्यक्रम प्रारंभ हो सकता है, तो उसी के तर्ज पर जैसा इन्होंने बाराबंकी में किया था, एक चैनपुरवा गांव जहां पर एक एंडेमिक क्रिमिनैलिटी थी उसको समाप्त करके वहाँ पर स्वरोजगार की एक क्रांति लाई थी, उसी तर्ज पे आज कुड़वार थाने पे इन्होंने प्रारंभ किया है और डिटेल में यही बताएंगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने जानकारी दी है कि जहाँ भूमि उपलब्ध है, बंदर नहीं आते हैं, आसपास खेत है, ऐसे स्थानों पर मधुमक्खी के डब्बे रखे जाएंगे। सरकारी तौर पर जिले में आज 50 डिब्बों से इसका शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया है। कुड़वार थाने में 25 डिब्बे और धम्मौर थाने में 25 रखे गए हैं। धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर है। अभी इस मिशन में हम थाने, चौकियों का रखरखाव और पुलिस के कल्याण का कार्य करेंगे। आज जनपद में 50 डिब्बों से शुभारंभ जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा किया गया है। कुड़वार थाने में 25 डिब्बे और धम्मौर में 25 डिब्बे। धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर है। मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी युवकों को, बेरोजगार लोगों को और ऐसे लोगों को जो थोड़ी पूंजी लगा सकते हैं, उनका आह्वान करता हूं कि वो मधुमक्खी पालन का कार्य करें। इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। मोटे तौर पर अगर कहें तो एक डब्बा 4,000 रुपये का आता है। 10 डब्बे की एक इकाई होती है। अगर कोई 10 डब्बे रखता है, यानी पहले वर्ष 40,000 रुपये का निवेश करता है, तो उसको एक सीजन में लगभग 1,00,000 रुपये का रिटर्न मिलता है। नाउ 44 के लिए कैमरामैन अशोक गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।